बात करते हैं 1469 ईस्वी की जोधपुर जिले राजस्थान की। जोधपुर जिले में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा 1469 ईस्वी में कराया गया था। इस किले का निर्माण एक पहाड़ी के ऊपर जो कि 410 फीट ऊंची एक पहाड़ी स्थित है। इस किले के चारों ओर जो दीवार स्थित है जो कि एक विशाल दीवार के रूप में मानी जाती है, जो कि 10 किलोमीटर लंबी दीवार है। इस किले के 7 गेट हैं जो किले के अंदर जैसे जैसे प्रवेश करते हैं तो गेटों का प्रवेश द्वार भी स्टार्ट होता है। राव जोधा ने इस किले का निर्माण विशाल भारतीय किलों में से एक, विशाल सबसे खूबसूरत किलों में से एक माना जाता है जो कि जोधपुर ज़िले में स्थित है। तो आइए इस किले के खास अध्ययन को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं। तो साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहना तो इस किले का हमको इतिहास और अध्ययन देखने को मिलेगा। चलते हैं किले के अंदर जो कि प्रवेश द्वार 7 गेटों के द्वारा इस किले का प्रवेश किया जाता है, जो कि अलग अलग किलों के प्रवेश द्वार गेटों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिनमें से एक विक्ट्री गेट है, एक फतेह गेट है, बैरो गेट है, डेढ़ कामगरा गेट है, फतेह गेट है, माट्री गेट है और लोहा गेट है। इन 7 गेटों से हम प्रवेश करेंगे और इस किले का एक अध्ययन करेंगे और इस किले का एक्सपोज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इस किले का इतिहास इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहना साथियों। चलते हैं वीडियो के लास्ट में, और वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। चलते हैं वीडियो के शुरू में और लास्ट तक बने रहना, जब तक हम इस किले का एक्सपोज करेंगे और अनेक चीज़ों को जो कि एक इस किले को एक भारत के खूबसूरत किलों में से एक किला माना जाता है जो कि मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। इस किले की जो चित्रकला है, एक छोटी चित्रकला और एक विशाल जो कि खूबसूरत चित्रकलाओं में से एक निर्माण चित्रकला माना जाता है। चलो साथियों हम चलते हैं वीडियो के शुरू करते हैं वीडियो को। धन्यवाद साथियों आज के इस व्लॉग में आप जुड़े, और इस व्लॉग के साथ में हम मेहरानगढ़ दुर्ग का किला जो कि हम इस व्लॉग के माध्यम से जानेंगे, इस किले का इतिहास क्या है इस वीडियो में ही सब कुछ देखने को मिलेगा। साथियों ये है प्रवेश द्वार, एंट्री गेट है। एंट्री गेट में जैसे एंट्री करेंगे तो हमको यहाँ जस्ट एंट्री करते ही टिकट द्वार मिलेगा, जो कि यहाँ टिकट मिलता है। इस टिकटों का भी विश्लेषण इस प्रकार से है कि फॉरेन कंट्री के लोग हैं उनको इन टिकटों का रेट है 600 रुपये पर कैंडिडेट है, और अपन इंडियन कैंडिडेट हैं उनको 400 न अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र हैं मतलब स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय विदेशी लोग हैं स्टूडेंट है उनके 400 रुपये में होता है, और अपने इंडियन लोग हैं उनका 200 रुपये में होता है, और कोई स्टूडेंट है इंडियन और उसका 100 रुपये में टिकट हो जाता है, मतलब कि बोलते हैं कि हाफ टिकट होता है उनका स्टूडेंटों का, आधी रेट में हो जाता है। ये है टिकट, टिकट खिड़की है, यहाँ टिकट होता है। जैसे ही हम गेट में एंट्री करेंगे तो टिकट खिड़की हमको देखने को मिलेगी। सब लोग यहाँ से टिकट खरीदते हैं, और टिकट जैसे ही खरीदने के बाद में हम तीनों साथी किले को देखने के लिए अंदर जाएंगे। मेहरानगढ़ संग्रहालय लिखा हुआ है टिकट खिड़की के ऊपर। इधर को भी टिकट खिड़की है लेकिन वो फॉरेन कंट्री के लोगों के लिए है, मतलब विदेशी लोगों के लिए वो खिड़की है। आप देख सकते हैं साथियों इस किले का बारीकी से मतलब कि चित्रकला डिज़ाइन की गई है। ये कैपी है, कुछ कैपे वगैरह हैं जो कि मतलब फॉरेन कंट्री के लोग या फिर इंडियन लोग है जो कि कॉपी वगैरह या नाश्ता चाय कुछ भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे लगे हुए हैं, छोटे छोटे कुर्सी टेबल लगे हुए हैं, कैफे टाइप में है ये। हम तीन साथी जा रहे हैं अंदर को किले को एक्सपोज करने के लिए या कुछ वीडियोग्राफी करने के लिए। साथी ये जो छिद्र हैं दीवार में, ये छिद्र पहले माना जाता है कि कुछ गोलियों के छिद्र हैं, मतलब कि पहले गोला बारूद या फिर बंदूक बंदूक चलती होगी तो उनके छिद्र हैं। फर्स्ट गेट से हमने एंट्री की थी, अब ये है दूसरा गेट। दूसरे गेट से जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ मतलब कि
हमारे कल्चर, राजस्थानी कल्चर के लोग हैं जो कि हमको म्यूजिक टाइप में सुनाते हैं, वो बैठे रहते हैं, मतलब कि किले में बिड़ने से पहले भी ये म्यूजिक, मतलब राजस्थानी कल्चर के लोग हैं जो कि हमको म्यूजिक सुनाते हैं। विदेशी लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस होता है राजस्थानी म्यूजिक, तो उनको म्यूजिक सुनाते हैं। कुछ लोग इनको 10-20 रुपए या फिर जितने ज़्यादा देते हैं वो दे के मतलब इनको हेल्प करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना अच्छा खूबसूरत एक किला है जिसको बारीकी से बनाया गया था राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे अगले गेट की तरफ है। आप देख सकते हो राजस्थानी कल्चर के हम मारवाड़ क्षेत्र में, मतलब कि एक किला है जो मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ी लोग हैं। अब तीसरा गेट है साथियों, तीसरा गेट है, काफ़ी विशाल गेट है साथियों। आप देख सकते हो कितना पुराना गेट है, मतलब 500-600 साल पुराना गेट है, अभी तक ये सुरक्षित है, मतलब बिल्कुल भी जंग वगैरह भी नहीं लगी। कितना विशाल गेट है, मेरे को तो अनुमान है कि इसकी लंबाई 30-35 फुट की लंबाई होगी साथियों। ये प्यारे दोस्त हैं जो हमको यहीं पे मिले थे, मैंने कि चलो तीनों दोस्त साथ मिलकर, अकेला का तो वैसे मन नहीं करता, अकेला का भी नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी घूमने के लिए। एक कोटा का साथी है, एक भरतपुर का साथी है, हम तीनों साथी मिलकर वीडियोग्राफी और किले को एक्सपोज करेंगे और आपके बीच जो सारी वीडियो बनाई है उनको आपके बीच रख रहे हैं। ये प्यारे साथी लोग फोटो खींच रहे हैं कि व्लॉग के अंदर हमको भी लो, मैंने कि चलो आप भी आओ। हम जैसे ही इस गेट के बाद में एंट्री करेंगे आगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जैसे एंट्री करेंगे ना आगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राव जोधा का खालसा, मतलब राव जोधा का किला। आप देख सकते हो कितनी हाइट है, मतलब 130 फीट की हाइट बता रखी है इतिहास में तो, पर मेरे को ज़्यादा लगती है 130 फीट से ज़्यादा है। ये बहुत ऊंचा किला है, ये मतलब छोटी तोप रहती थी जिनको इन जो छिद्रों के माध्यम से यहाँ रख कर चलाई जाती थी, कोई भी आक्रमण करता है तो वहाँ पे इन तोपों को यूज किया जाता था, इन छिद्रों के द्वारा, दीवारों पे जो छिद्र है ना इधर को, इनमें तोप रखती थे छोटे छोटे। अब हम एंट्री करते हैं, तीन गेट हो गए साथियों, तीन गेटों के बाद में हम एंट्री कर रहे हैं, आगे किले की तरफ जा रहे हैं। ये राव जोधा का फालसा लिखा हुआ है, फालसा लिखा हुआ है, जो कि राव जोधा का मानते हैं कि किला है, ये राव जोधा के द्वारा निर्माण किया गया था, एक किला का निर्माण है। राव जोधा ने पूरा किला का तो निर्माण किया नहीं, तकरीबन 200-250 साल इस किले का निर्माण चलता रहा और लास्ट में इसका जो बेटा है या पोता है उन्होंने इन किलों का मतलब पूर्णतः निर्माण कराया था। पहले के इतिहास में माना जाता है कि जो भी निर्माण किसी भी चीज़ का निर्माण करते थे दिल से करते थे, पूरा गांव एक साथ निर्माण करता था, तभी तो इतना अच्छा खूबसूरत और इतनी मोटी दीवार का निर्माण होता था। अब हम चौथा गेट है, ये 4 नंबर गेट है, यहाँ पे कुछ लोग मारवाड़ी कल्चर में भजन गीत है ये सुनाते हैं, विदेशी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। ये 4 नंबर गेट है, 4 नंबर गेट भी बहुत बड़ा गेट है। 4 नंबर गेट तो ये हो गया, अभी 5वां नंबर का गेट है, जैसे ही आगे आपको देखिएगा 5 नंबर का गेट है। मारवाड़ी लोग हैं जो कि भजन मतलब तो गीत वगैरह म्यूजिक टाइप में फॉरेन कंट्री के लोगों को सुनाते हैं कि हमारी राजस्थानी कल्चर बनी रहे। अब हम किले में प्रवेश करने वाले हैं, थोड़ी देर में किले में प्रवेश करने के बाद में मोती महल और शीश महल और एक फतेह महल, इन महलों को देखेंगे, महलों का क्या क्या चीज़ है, शीश महल में क्या चीज़ है, क्या देखने को मिलेगा, इन सबको हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे और सभी साथियों को दिखाएंगे। ये कुछ मतलब कि हाथ के चिन्ह हैं और पैर पाँव के चिन्ह हैं, मतलब ऐसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम में कुछ
उस टाइम पद चिन्ह ज़्यादा महत्व रखता था। ये प्यारे साथी फोटो खींच रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कितना विशाल किला है, मतलब कि देखने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि भारत का सबसे खूबसूरत किला है ये। ये कुछ कांसे के, मेरे तो अनुमान यही है कि कांसे के बर्तन है, मतलब पात्र हैं ये, पहले यूज़ किया जाता होगा राजा महाराजाओं के टाइम में यही चीज़ ज़्यादा यूज, क्योंकि संयुक्त फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली रहती थी, जो मतलब कि बहुत सारे परिवारों के साथ एक साथ खाना बनता था, तो उस टाइम एक साथ सब भोजन करते थे, तो इतना बड़ा जल मतलब कि पात्र में ही भोजन बनाया जाता था। अब हम किले में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये है कौन सा चौक है, मतलब कि संग्रहालय को चौक है। जैसे ही हम पिछड़ियों को क्रॉस करेंगे तो संग्रहालय वो है चौक, मतलब यहाँ पे संग्रहालय औरतों के द्वारा, मतलब रानियों के द्वारा संग्रहालय किया जाता था, ये संग्रहालय चौक है। खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, मतलब कि बारीकी डिज़ाइन है, बारीकी, भारत का ऐसा किला है ये जो बारीकी से डिज़ाइन किया गया था। ये झरों के खिड़कियाँ देख सकते हो कितनी बारीकी से, मतलब भारत का जब ही तो है खूबसूरत वो है किला। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये पहले राजा महाराजा के टाइम यात्रा, मतलब वो होता था ना कि घोड़ों के द्वारा और इनके द्वारा, मतलब कि वो बैलगाड़ियों के द्वारा जो पिछड़ी का जो वो खींचने का, या फिर बैलगाड़ी जिसको खींचती थी वो है, याददाश्त में रखे गए हैं ये सब। ये देख सकते हो ये कुछ राजा महाराजाओं के टाइम पे बैठने का, ये फिर यात्रा करने का वो गाड़ी घोड़ा कुछ बोलते हैं वो ही थे उस टाइम। एक छोटा सा मंदिर है, मतलब राजाओं बैठता था इसमें। अब यहाँ से जस्ट हम आगे जाएंगे तो ये भी दो मतलब बैठने का ही है। जैसे जैसे आगे जाएंगे उसी तरह हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते चलेंगे। ये भी कुछ बैठने का होता है, मतलब भोजन करते इस टाइम में, या फिर मतलब होगा कुछ राजा महाराजा के टाइम में। शेर गाड़ी है ये, शेर का चिन्ह है। अभी संग्रहालय चौक है, इसको संग्रहालय चौक बोलते हैं। अब यहाँ से हम जैसे एंट्री करेंगे और आगे आपको उस टाइम कुछ मतलब वस्त्र वगैरह रखे हुए, धनुष है, पहले राजा ही उपयोग में लेते थे इस धनुष को। ये कुछ इतिहासकार फोटो के माध्यम से दिखाए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ दिखाएंगे। वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि हमने पहले ही वादा किया था कि भारत के जो पर्यटन स्थान या फिर जो भी देवी देवताओं के स्थान, हम व्लॉग्स के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। तो दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो, जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ये हमारे राजस्थानी लोग हैं जो फेटा और कुर्ता फेमस है, मारवाड़ी लोग हैं जो कि फेमस है फॉरेन कंट्री को, ये काफ़ी पसंद भी आते हैं कुर्ता और धोती और फेटा। जोधपुर का जो सापा विश्व प्रसिद्ध है, जो कि रेड बुक डाटा में भी दर्ज किया गया था। ये साथी लोग हैं जो कि वीडियो शूट कर रहे हैं और फोटो शूट कर रहे हैं। पहले के वो महल था छोटे टाइप में, राजा इसमें बैठकर कुछ कथा वगैरह, मतलब कि
कुछ किताबें बुक वगैरह मतलब जो भी चीज़ें वो उस टाइम में यूज करते थे राजाओं के द्वारा। अंदर से जो किले की मरम्मत और फिनिशिंग तो भारत सरकार पर्यटन विभाग ने करवा दी, लेकिन खूबसूरत डिजाइनिंग भी इतनी अच्छी है, बारीकी से डिज़ाइन किया था। माना जाता है कि भारत में पहला ऐसा किला है जिसमें बारीकी से अध्ययन मतलब कि डिज़ाइन किया गया है किले को। अब आप अनुमान लगा सकते हो पहले के मिस्त्री मतलब कि इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छी थी या फिर अब की इंजीनियरिंग ज़्यादा बेटर है। मेरा तो अनुमान है कि पहले की जो इंजीनियरिंग थी वो काफ़ी बेटर थी और पूरे किले का निर्माण हजारों लोगों के इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जाता था। आज के लोग तो क्या है, एक सिंगल मकान बनाएंगे तो एक इंजीनियरिंग आएगा, वो आपको मतलब कि डाटा दे के जाएगा कि ये सिलेक्ट है वो सिलेक्ट है, मतलब प्रोजेक्टर बनाकर आपको दिखा के और आप निर्माण कर ले। तो पहले हजारों लोगों के अनुमान से किले का निर्माण किया जाता था। ये राजा के अस्त्र शस्त्र हैं जो कि उस टाइम यूज करते थे युद्ध के समय, तलवारें हैं, ये भी तलवारें हैं, अलग 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 टाइप की तलवार होती थी, जो भी बेटर उसका ही ज़्यादा उपयोग किया जाता था। काफ़ी लोग आते हैं जो कि फॉरेन कंट्री के लोग भी जाता आते हैं घूमने का, लेकिन मौसम होता है घूमने का, बारिश जैसे ही ख़त्म होती है सर्दी स्टार्ट होती है, उस टाइम ज़्यादा लोग खूबसूरत से मतलब कि किले का देखते हैं, नज़ारा देखते हैं, और यात्री भी मतलब उस टाइम में देखने के लिए भी ज़्यादा आते हैं लोग। उस टाइम में मतलब कि सिर पर जो भी उपयोग किया जाता था इन पात्रों को लगाकर ही युद्ध में जाते थे। अस्त्र शस्त्र होले जो हम देख रहे हैं, अस्त्र शस्त्र होले हथेक महल भी बोलते हैं इनको। ये भी कुछ है देखने को, ये कहे राजा महाराजा उस टाइम जो मतलब कि नशा उक्के के द्वारा उपयोग किया जाता था वो कहे। हाथ में लेकर चलते थे वो बालट टाइप में जन, ऐसे ही है मतलब जो कि हनुमान जी लिया जाता है ना गोटा टाइप में, ये राजाओं के द्वारा जो अस्त्र मतलब युद्ध के समय जो पहन कर जाते थे, ये रानी का चित्र दिखाया गया है। ये कुछ म्यूजिक टाइप में जो उपयोग लेते थे युद्ध के समय, इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते थे राजाओं के जो सैनिक वगैरह, ये सब युद्ध के समय ज़्यादा उपयोग लेते थे इन चीज़ों को। ये सिक्के हैं, मारवाड़ी सिक्के हैं जो कि आप देख सकते हैं, कम से कम है इन सिक्कों को राजाओं के द्वारा अलग अलग साम्राज्यों में उपयोग किया जाता था। मारवाड़ में तकरीबन 100-150 सिक्कों चलाए गए थे, अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग सिक्के चलाए गए थे। ये तोप थी, पहले इधर से गोला बारूद डालते थे, उधर से मतलब कि छूटती थी, ये छोटी मिनी तोप है। मारवाड़ चित्रशैली ऐसा माना जाता है कि भारत में इन चित्रशैली को भी काफ़ी अच्छी तरीके से इमोशन ऑफ लव मतलब कि एक वो चीज़ है यहाँ पे, जो राजा इमोशन ऑफ लव मतलब प्यार में खूब तरीके से डूब जाना मतलब वो हो ले। लोगों को पढ़ने के लिए ये चीज़ लगाते हैं, चित्रकला और चित्रकार जो कि किस चित्रकार ने किस चित्रकला का निर्माण किया था, लघु चित्र का निर्माण, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से देखा और आपके बीच में भी साझा किया। हम यहाँ कुछ लोग हैं जो कि फ़ोटो शूट कर रहे हैं और हम लोग भी वीडियोग्राफी करके फ़ोटो शूट करके और आगे एक तरफ चलेंगे। बाबा बोल रहा था कि
भाई वो देख सेल्फी मना है ना लेना। मैंने कि कोई बात नहीं पापा, सेल्फी मना है तो हम तो नहीं लेंगे आपके साथ में। लेकिन छुपके से मैंने पापा की सेल्फी ले ही ली लास्ट में। चलते हैं आगे, तख्त महल है। आगे चलते हैं। अब कौन सा महल आएगा, उस महल का नाम बताता हूँ मैं आपको। उस महल का नाम है फूल महल। आगे आएगा फूल महल। ये उस टाइम मतलब राजाओं के द्वारा फूल महल है। अब आगे चलते हैं, इसको देखने के बाद में हम आगे देखेंगे दौलत खाना और शीश महल। ये काफ़ी अच्छे हैं, इनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जाओ मत। कितना अच्छा है दोस्तों, अंदर को नहीं जाने देते। ये है शीश महल है, शीश महल शीशाओं के द्वारा जड़ा हुआ महल है। ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अगर एक मोमबत्ती भी जला दें तो हजारों मोमबत्ती दिखती है, क्योंकि ये शीशाओं के द्वारा जड़ा हुआ महल है। एक मोमबत्ती अगर किसी भी जगह आप जला देते हैं तो हजारों मोमबत्ती दिखती है इस महल, मतलब कि इसी महल में बैठने के बाद में। ये छिड्डियाँ हैं, दूसरे महल में जाने के लिए छिड्डी हैं। अब हम जाते हैं शीश महल में, जिसको हम दर्पण पहले से बोलते हैं। शीश महल का स्थान वो था, वो शीश महल का स्थान ये है। ये दर्पण काफी बड़े बड़े थे, शीश महल आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना खूबसूरत है। राजा के द्वारा मतलब सैनिकों की मीटिंग वगैरह, जो भी राजा से छोटे जो राजा होते थे उनकी मीटिंग यहाँ पर लिया करते थे। और कितनी अच्छी खूबसूरत डिजाइनिंग है, आप अगर देखने जाते हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ से चले ही मत, राजा के स्थान पर अपन जाकर बैठ जाए, ऐसा महसूस होता है दोस्तों। लेकिन करे क्या, उस टाइम राजा अब अनेकों राजा हो गए अब तो। ये दर्पण थे, काफ़ी बड़े दर्पण हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दर्पणों का युद्ध राजा युद्ध के समय जाते थे, तब अपनी खूबसूरती को देखकर ही युद्ध में जाते थे। इन जरों के थे, सात रानियों के द्वारा सात जरों के बनाए गए हैं ये। और शस्त्र खाना है, जो कि युद्ध के समय जो भी अस्त्र शस्त्र युद्ध किया मतलब यूज लेते थे, उन नीचे से संग्रहालय चौक दिखता है यहाँ से, और जयपुर व जोधपुर की खूबसूरत सिटी यहाँ से देखने को मिलती है। बिस्लेरी का भी टैग लगा हुआ है यहाँ पे, वाटर शस्त्र खाना है। मतलब युद्ध के समय जो तलवारें धनुष, इन बड़ी बड़ी तलवारों का यूज किया जाता था, धनुषों का यूज किया जाता था उस टाइम। तो दोस्तों आज से 400-500 पहले राजाओं के द्वारा जो चीज़ तलवारें हैं, ये 10-15 तलवारें यूज की जाती थी, मतलब अलग अलग डिज़ाइन की। इधर को तलवारें हैं, ये बड़ी तलवारें हैं, ये छोटी तलवारें हैं। ये सिर पर मुकुटों पर जो यूज किया जाता था, या मतलब शरीर पर जो लगा कर जाते थे राजा, तलवारें देख सकते हो कितनी खूबसूरत तलवारें हैं उस टाइम। ये अपने सिर को ढकने के लिए युद्ध में जाते समय उन अस्त्र शस्त्र हैं। ये है कौन सा महल है दोस्तों, ये महल सुरेश खाना महल है मेरे ख्याल, मोती महल है ये, मोती महल नहीं है ये तो, मोती महल तो नहीं है ये, सुरेश खाना महल है मेरे ख्याल में।
अब आप देख सकते हो जोधपुर सिटी, मतलब जोधपुर सिटी को ब्लू सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जयपुर की तरफ पिंक, जयपुर में पिंक कलर यूज़, यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ किया जाता है मकानों को पोतने के लिए, तो ब्लू सिटी जो इसलिए बोलते हैं जोधपुर को। इधर से देख सकते हैं जोधपुर ब्लू, बिल्कुल ब्लू सिटी बोला जाता है। नीचा का स्थान, मतलब ऊपर से जो नीचे के दृश्य इस प्रकार से दिखता है आने जाने का, और इधर को विशाल दीवार है जो कि भारत की सबसे खूबसूरत दीवारों में से एक दीवार मानी जाती है, जो कि 10 किलोमीटर है, मतलब चारों ओर अगर इस दीवार की किलोमीटर लंबाई ना पे 10 किलोमीटर की मानी जाती है। अब हम यहाँ से जैसे ही आगे जाएंगे तो ये ऐसे माना जाता है कि जो खिड़कियाँ आपको दिख रही है किसी टाइम सोने की, आप तो देखो जैसे जैसे डेवलप हुआ इंडिया वैसे वैसे इन खिड़कियों का मतलब कि अटा के गवर्नमेंट ने और पॉलिश करके और स्टील वगैरह उनकी खिड़की लगा दी है। उस टाइम ये जो मोती महल है, ये मोती महल में, अब आपको जैसे ही आगे जाएंगे तो मोती महल देखने को मिलेगा। मोती महल में 29 किलो, मतलब कि 30 किलो सोने का उपयोग किया गया था मोती महल में। मोतियों के द्वारा उस महल का निर्माण और डिजाइनिंग दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो मारवाड़ का खूबसूरत किला है, जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला, इस किले में तकरीबन बहुत सारा सोना का उपयोग किया गया था बनाने के लिए। अब हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार आपको हर चीज़, ये भी चौक है आप देख सकते हो, 5-6 चौक हैं इसमें, मतलब कि संग्रहालय चौक, सूर्य चौक, कौन कौन से चौक हैं, इन चौकों का नाम पता भी नहीं है मेरे को, तो मैं तो याद भी नहीं रहा, उस टाइम तो याद रहा था लेकिन अब पता भी नहीं है कौन सा चौक है क्या है। अब हम जाएंगे, जैसे ही अब अंदर एंट्री कर रहे हैं, ये है मोती महल। अब आप देख सकते हो मोतियों के द्वारा इस महल का निर्माण किया गया था, मोती महल। उस टाइम इस मोती महल का निर्माण के लिए 29 किलो सोने का उपयोग किया गया था। ऊपर को जो छत है उसको भी सोने के द्वारा डिजाइनिंग की गई थी। राजा उस कुर्सी पर बैठकर और कुछ, मतलब उससे छोटे जो राजा होते थे सैनिक लोग, उनको कुछ अलग से अध्ययन या फिर अलग से ज्ञान या फिर अलग से उनको एक्सपीरियंस देते थे, और युद्ध में जाने से पहले उनसे बातचीत करते थे। 5 फ्लैग लगे हुए हैं अलग अलग, मारवाड़ के जो साम्राज्य हैं उनके 5 फ्लैग यहाँ पे लगे हुए हैं झंडे। अब मोती महल देखने के बाद में हम मेहरानगढ़ शॉपिंग बाज़ार में जाएंगे, जो कि मेहरानगढ़ किले के अंदर ही शॉपिंग बाज़ार लगा हुआ है। कपड़े खरीद सकते हैं, कुछ भी आइटम आप खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों इंडियन लोग कुछ जाते नहीं हैं, फॉरेन कंट्री के लोग हर चीज़ देखते हैं क्योंकि वो विदेश से भारत इंडिया आए हैं, तो कुछ हर चीज़ देखते हैं, हर चीज़ फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ करते हैं वो। ये भी एक चौक है, ये अलग चौक है, इस चौक का नाम भी दोस्तों ध्यान रहा नहीं, लेकिन चौक का नाम भी है, और ये ऊपर की साइड है म्यूजिक हॉल है, म्यूजिक टाइप में यहाँ राजा लोग सुनाते थे और जनता यहाँ म्यूजिक ये चौक में बैठते थे। हाँ म्यूजिक चौक है, इसका नाम म्यूजिक चौक। झरोके और खिड़की कितनी डिजाइनिंग, मतलब बारीकी से डिजाइनिंग किया गया था यहाँ पे। अब म्यूजिक हॉल से चौक से हम जैसे ही बाहर की तरफ आएंगे तो ये मंदिर है, मतलब कि किले के अंदर मंदिर है, ये हमारी मारवाड़ शैली के म्यूजिक टाइप में लोग सुनाते हैं यहाँ पे विदेशी लोगों को। मंदिर है, मंदिर में ढोक देने के बाद में हम साथी लोग तीनों साथी किले को देखते हुए बाहर की तरफ जाएंगे।
हम सब लोगों के लिए मैंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी है कि हम सब लोग हैं हमारे प्यारी फैमिली स्वस्थ रहे। कुछ लोग यहाँ पे वीडियो शूट और वीडियोग्राफर कर रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं। अब हमें इधर से जो छतरी दिख रही है आपको वहाँ से भिड़े थे और यहाँ से हमने पूरे किले का दृश्य देखते हुए हम बाहर आ गए। मारवाड़ शैली के लोग यहाँ आपको म्यूजिक टाइप में सुनाते रहेंगे, मतलब काफ़ी लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाए गए हैं और अपने एवरीडे इनकम प्राप्त करने के लिए भी लोग आ जाते हैं और विदेशी लोगों को अपने म्यूजिक और अपने संस्कृति को उजागर करते हैं, मतलब कि दिखाते हैं लोगों को। आप देख सकते हैं कितनी डिजाइनिंग, मतलब कि बारीकी से डिजाइनिंग दिया गया है। ये दीवार है, मतलब कि किला इधर की साइड है, ये दीवार है। डिजाइनिंग देख लो बारीकी से दोस्तों, आप देख सकते हैं बारीकी से डिजाइन किया गया है। अब हम जाएंगे गार्डन, मेहरानगढ़ फोर्ट का ये गार्डन बना हुआ है आगे की तरफ। अब गार्डन तरफ ये पात्र थे उस टाइम में, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उस टाइम में राजा लोग मतलब सब्जी वगैरह या फिर किसी, क्योंकि जॉइंट फैमिली रहती थी, सब्जी वगैरह सभी जो कि मैं वह दुर्ग के अंदर लोग रहते थे उन सब लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता था इन पात्रों में। यहाँ पर भी हमारे संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति के लोग बैठे हुए हैं और अपना म्यूजिक विदेशी लोगों को सुनाते हैं, इंडियन लोगों को सुनाते हैं। अब हम जा रहे हैं तोप, मतलब कि किले से बाहर की तरफ इन तोपों को रखा गया है दीवारों पर, जो किले की चारों ओर दीवार बनी हुई है उन दीवारों पर इन तोपों का रखरखाव रखा गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी तोप है इधर को, जो कि जोधपुर किले की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। अब हम जाएंगे आगे की तरफ है, चामुंडा माता का मंदिर है आगे, उस तरफ जाएंगे। यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटो शूट करने के बाद में हम तीनों साथी, मतलब कि कोटा वाला, भरतपुर वाला साथी, हम तीनों साथी चामुंडा माता देख का मंदिर देखने के लिए जाएंगे। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग या किले के अंदर ही निर्माण कराया गया था राव जोधा के द्वारा। राव जोधा ने जब, ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण कराया गया था उस टाइम में राव जोधा के द्वारा, वह चामुंडा माता का मूर्ति को भी लेकर आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर किले से ही जैसे बाहर जाएंगे मतलब आउटसाइड, तो चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वो सामने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण है। 2008 में चामुंडा माता का मंदिर पर मेला भरा था, विशाल मेला भरता है हर, तो मेले के अंदर लोग दीवारों पर भी खड़े हुए थे, दीवारों पर चौड़ी दीवार है तो रास्ता टाइप में है, तो लोग यहाँ पर सब खड़े हुए थे जो भी श्रांदलु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो मतलब किसी लोग ने या कोई अपवाद थे, उन लोगों ने ऐसे बोल दिया कि दीवार ढह गई है, किला ढह गया है, किला का मतलब कि भगदड़ मच गई थी, तो काफ़ी लोग मारे गए थे उस भगदड़ के कारण। तो दोस्तों फिर से मैं आपको जोधपुर किले का निर्माण राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में बनवाया गया था और 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर बनवाया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ऑन प्रेस, मतलब कि बिल्कुल सही तरीके से रखना और सबसे पहले आपको वीडियो मिले।
दोस्तों वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत होती है, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप प्लीज़ सभी साथी मिलकर सब्सक्राइब करें। और हमारी फैमिली 11,000 प्लस हो गई है, तो हम किसी इसी फैमिली के साथ में हम 20,000 पर पहुंचेंगे, 1,00,000 तक पहुंचेंगे। साथियों वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम लोग काफ़ी मेहनत करके आपकी वीडियो को शूट करते हैं और आपके बीच में भी वीडियो साझा करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी समय लगता है हर चीज़ को हासिल करने के लिए, तो हमने इन चीज़ों को शूट करने के लिए भी काफ़ी मेहनत की है। तो दोस्तों आपकी इस मेहनत के बदले आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो प्लीज़ सभी साथी मिलकर वीडियो को शेयर करें और वीडियो को शेयर करने के बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेहरानगढ़ किले का एक छोटा सा मतलब कि पात्र से बनाया गया है एक दृश्य, तो यहाँ से देखने के बाद में आप हर चीज़ को देख